पांच मिनट बाद हमारी ये हंडिया तैयार हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हरमीत और आप देख रहे हैं देसी ढाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेले गोश्त बनाने वाले हैं और वो भी देसी तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और फिर आप बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास हैं प्याज, मैंने ये लिए हैं 1.5 किलो करेले, उसके लिए मैंने कुछ कटी हुई हरी मिर्चें काटी हैं और कुछ साबुत मिर्च हैं, एक टमाटर लिया है और 1/2 किलो गोश्त है। उसके बाद दोस्तों मैं इसके अंदर घी डाली है कढ़ाई के अंदर और इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके ऊपर रख के गर्म करते हैं। दोस्तों घी हमारा गर्म हो चुका है और अब इसके अंदर मैं ये देखें कटे हुए करेले डालूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इनको ब्राउन करूंगा। दोस्तों ये देखें थोड़ा थोड़ा मतलब ये ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, मज़ीद इसको टाइम लगेगा को 2 से 3 मिनट और इसको मैं मज़ीद पकाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन ये देखें ब्राउन हो चुके हैं हमारे ये करेले और अब बारी है इनको निकालने की, मैं इनको निकाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों ये मैं साइड पे रख लेता हूँ और अब इन प्याज़ों को डाल लेता हूँ कढ़ाई के अंदर और इसको ब्राउन करता हूँ। नाज़रीन प्याज थोड़े से हमारे ब्राउन हुए हैं और इसमें जाएंगे ये वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अब इसमें जाएगा नमक 1 चम्मच जाएगा, और हल्दी जाएगी, मिर्च बाद में डालेंगे। नाज़रीन अब जाएगा मिर्चें और टमाटर, इसमें मैंने 3 साबुत मिर्च रखी हैं और बाकियों को काटा है।
नाजरीन जो हमने करेले ब्राउन किए थे आप वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अब डालेंगे मिर्चें। ठीक 5 मिनट बाद हमारी ये हंडिया तैयार हो जाएगी। नाजरीन आप देखते हैं अपने इनकी तरफ और माशाल्लाह पक गए हैं ये। तो दोस्तों हमने करेले गोश्त आपको बनाना सिखाया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। कमेंट सेक्शन में हमारी वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। करेले गोश्त घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करके उसका टेस्ट हमें बताइएगा। अगर इसी तरह की आप वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल देसी ढाबा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।